हम लोग रेशियो के दो एक और क्वेश्चन पढ़ के फिर रेशियो अपना कंप्लीट करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ए बी सी आर पार्टनर इन अ फर्म, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन रेशियो ऑफ, ए हैं, बी हैं और सी हैं। सिक्स थ्री एंड वन, दे एडमिट डी इन टू पार्टनरशिप फर्म विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। इन्होंने डी को भी एडमिट कर लिया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग, अच्छा डी इधर लिख देता हूँ, नहीं गड़बड़ हो जाएगी लिखने में। थ्री 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 वन इस तरीके से है। ये ओल्ड रेशियो हुआ और ये न्यू रेशियो हुआ। ये हमारा क्वेश्चन है, डिटरमाइन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आपको क्या बताना है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताना है, ठीक है। तो ये हम ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं, ऐसे तो करते हैं, ये न्यू रेशियो लिख लेते हैं और यहां हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। यहां पार्टनर्स के नाम लिखते हैं, ए, ए का ओल्ड रेशियो कितना है बोलो? 6/10, बोलो ना। न्यू रेशियो कितना है? 3/10। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 3/10 आएगा, यही ना। बी के बाद, ए के बाद बी आया, बी का क्या रेशियो था? 3/10। अब क्या है सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आया? 0। सी की बात करते हैं, कितना था? 1/3। ठीक, 3/10। अब अगर माइनस करेंगे तो माइनस 2/10 आएगा। इनका पहले कितना था? 0। अब कितना है? 1/10। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1/10 आ जाएगा। ध्यान देना है, मुझे निगेटिव और पॉजिटिव का पता नहीं है। कुछ लोग याद कर लेते हैं, जब ओल्ड रेशियो होगा तो निगेटिव होगा तो ऐसा होगा, नया में से पता नहीं क्या क्या याद करते हैं, आई हैव नो आइडिया। अब वैसे मैं सोच लूँ तो मैं भी अभी बता दूंगा, लेकिन मेरे कहने का मतलब है, अगर नया रेशियो बढ़ गया आपका तो आपने बढ़ गया मतलब गेन किया है। नया रेशियो अगर बढ़ गया तो नया रेशियो, जब मैं यहां से यहां माइनस कर रहा हूं तो नए रेशियो में माइनस का साइन लग रहा है, यही तो ना। मैं करके कहिए दिखाऊं, जैसे 1/10 माइनस 3/10, तो नए रेशियो हमने माइनस लगा दिया, नया रेशियो बड़ा हो गया हमारा। जब नया रेशियो बड़ा हो गया तो मतलब मैंने क्या किया? गेन किया है। तो ये गेन है हमारा और ये गेन हुआ और यहां पर क्या हुआ? सेक्रीफाइस हुआ। बात समझ में आ रही ना? इस तरीके से आपको ये समझना है। एक और करते हैं, आज ये हम लोग रेशियो का बात खत्म कर देते हैं, फिर आगे जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वगैरह जो भी करना है वो करेंगे। यहां पर लिखा गया है एल एम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। एक एल है और एक एम है, इन दोनों का रेशियो 5:3 का है। दे एडमिट एन एंड डिसाइड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एम एंड एन शैल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन एल एंड एम। लो भाई, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सवाल ही नहीं समझ में आया। दे एडमिट एन एंड डिसाइड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन्होंने एन को एडमिट करा लिया। डिसाइड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एम एंड एन
क्या कह रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एम एंड एन। शैल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन एल एंड एम। एम एंड एन के बीच का रेशियो क्या है, 5:3। 5 और 3 के बीच का जो रिलेशन है वही आगे 3 और अगले फिगर के बीच का रिलेशन होगा। भाई अब अगर मैं एल और एम की बात करूं, एल एंड एम की, तो यहां 3 एम एंड एन, गलत गलत गलत, एल एंड एम गलत लिख दिया हमने, ये एल एंड एम था। एल एंड एम के बीच का रेशियो जो है 5:3 का है, तो एम एंड एन, नए एन आए हैं ना, के बीच का रिलेशन भी 5:3 में ही होना चाहिए, ये कह रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहां से अगर मैं इसको परसेंटेज के टर्म्स में कन्वर्ट कर लूं तो आसान हो जाएगा। कई तरीके हैं सॉल्व करने के, लेकिन ये और ये अगर मैं देखूं परसेंटेज में, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो ये हमारा इसके रेशियो में कितना होगा, ये इसका 60% बन रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। 5 का 60% 30 होता है, ठीक है। कैसे निकाला हमने, दिखा देता हूं। 3/5 × 100, किसी का परसेंटेज ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। ये कितना हो गया, 60%। तो इससे आसान हो जाएगा। अब जब मैं यहां से इधर की तरफ जाऊंगा, इसके पास 3 है, तो इसका 60% कितना हो जाएगा, 1.8। निकालो 3 का 60%, 1.8 हो जाएगा। तो अब हमारा जो रेशियो बना एल एम और एन में, वो बना 5:3:1.8। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 1.8 को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। सब में 10 का इंटू कर देते, 50 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। अब इसको और छोटा कर सकते हैं, अगर कोई चीज कॉमन दिखाई दे रही है तो उससे डिवाइड कर दें, 2 दिख रहा है तो इसको हम 25 कर देंगे, इसको 15 कर देंगे और इसको 9 कर देंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा गड़बड़ लगने वाला सवाल है आप लोगों के लिए, लेकिन थोड़ा ध्यान देंगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो सेक्रीफाइसिंग तो निकल आएगा, या निकाल दूं मैं, निकल आएगा। कैसे करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, या न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, जिससे भी निकालना चाहे। हाँ, ये बताना जरूरी है, कुछ लोग याद कर लेते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू से निकालना है कि गेनिंग रेशियो, ऐसा नहीं होता है। आप किसी से भी निकालिए, बस इतना ध्यान रखिए, नए में अगर इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीज हो गया, तो मतलब आपको प्राप्त हुआ, गेन किया है, और नया अगर छोटा हो गया है तो आपने सेक्रीफाइस किया। सीधी सी बात है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो हम लोग जो है आज ये रेशियो का टॉपिक खत्म करते हैं, पूरा करते हैं। आगे अब हम लोग जो है अगले उसमें क्या करेंगे, अपना गुडविल बिल्कुल शुरू करेंगे, ठीक है। ठीक है, डन, फिर मिलते हैं। ओके, टाटा।